जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते ही हैं, भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी ज्यादा पेचीदा नजर आते हैं हर एंगल से। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने भारत के साथ खिलवाड़ किया तो बदले में भारत ने भी अमेरिका के साथ खिलवाड़ कर दिया। अमेरिका के दो दो राष्ट्रपति आकर चले गए लेकिन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हेलो दोस्तों, आशा करता हूं सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही है, सोचा आप सभी फ्रेंड्स तक बड़ी ही छोटे से वीडियो के माध्यम से विस्तार से पहुंचा दूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप भी सत्ता में आए थे तो उन्होंने भारत को अमेरिकन हथियार खरीदने को लेकर काफी ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करी। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जब 2019 में अमेरिका के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तब इस बात के ऊपर जोर डाला जा रहा था कि भारत के अंदर जो अगला फाइटर जेट आएगा वो कहीं ना कहीं अमेरिका का ही होगा। और इस बात को कई सारे विशेषज्ञ भी दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कई साल बीत गए हैं लेकिन भारत ने अभी तक किसी भी अमेरिकन फाइटर जेट को अपनी सेनाओं में शामिल नहीं किया। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल भी 4 साल का पूरा होने वाला है और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन फिर भी भारत को अमेरिकन फाइटर जेट नहीं बेच पाया। यहां तक कि दोस्तों, भारत ने अपनी नौसेना के लिए भी फ्रांस के राफेल मरीन फाइटर जेट को खरीद लिया। इसी कड़ी में दोस्तों, बड़ी खबर भारतीय वायुसेना की तरफ से भी निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वो भारी भरकम बड़े फाइटर जेटों को प्राथमिकता नहीं देंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय वायुसेना ने भारी भरकम अमेरिकन फाइटर जेट F-15 जैसे फाइटर जेटों को प्राथमिकता ना देने की बात कही है। और भारतीय वायुसेना की इस तरीके की बातें अमेरिकन कंपनी बोइंग के लिए बहुत बड़ी निराशा की बातें हैं। हालांकि दोस्तों, कई सारे रक्षा विशेषज्ञों द्वारा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत को फाइटर जेट इंजन देने की तकनीक को लेकर निराश किया है और इसी के फलस्वरूप भारत ने भी इस तरीके का डिसीजन लिया है। यह एक बड़ा कारण है कि भारत अमेरिकन फाइटर जेटों से पूरी तरीके से किनारा करने लगा है। ऐसे में दोस्तों, देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भी चले गए और जो बाइडेन भी ऑलमोस्ट जाने वाले हैं लेकिन अमेरिकन फाइटर जेट इन दोनों की ही कोशिशों के बाद भी भारत नहीं आया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि भारत ने अमेरिकन फाइटर जेटों को छोड़ यूरो फाइटर टाइफून तक को महत्व दे दिया था। यह भी एक कारण है कि कई सारे थिंक टैंक भारत के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बाकी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप सभी फ्रेंड्स के क्या विचार है, अपने वैल्यूएबल विचार कमेंट्स कर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।